हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई स्पीक टेस्ट। मेरा नाम ललित भट्ट है। मैं आज से एक बूस्टर सीरीज़ लाया हूँ जिसमें एसएससी सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल एंड असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के लिए स्पेशली टॉपिक वाइज डेली एक स्पीड टेस्ट लाऊंगा जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। मैं इस चैनल पर ओनली इंग्लिश टारगेटेड स्पीड टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कवर्ड हो जाए। अगर आपको ये एसटी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम अपनी एसटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस एसटी में मैं साइनोनिम्स लेके आया हूँ। 15 साइनोनिम्स हैं इसमें। साइनोनिम्स किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो या डिफेंस लाइन किसी का भी हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए इस एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट्स निकलते हैं आगे। और ओनली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है ईगर, ये स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम्स में आया है 1994 में। पहला क्वेश्चन है ईगर। मैं आपको 4 से 5 सेकंड दूंगा सॉल्व करने के लिए, उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है ईगर, बताइएगा। ईगर का मीन्स होता है इच्छुक होना, इच्छुक के लिए हो सकता है, एस्पायर हो सकता है, विश हो सकता है, होप हो सकता है, क्यूरियस हो सकता है। ओके, तो हमें इसमें दिख रहा है कि हमारा सी ऑप्शन इसमें सही है, क्यूरियस। ओके, सेकंड। एंड एक मेन थिंग बता दूँ इस साइनोनिम्स में, साइनोनिम्स में क्या होता है, चारों जो ऑप्शंस होते हैं अपने वो लगभग सेम ही होते हैं उससे, लेकिन हमें एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना होता है जो उसके सबसे नियरेस्ट हो, जो उसके मीनिंग को बहुत ही ज़्यादा क्लियर करें। ओके, तो सेकंड अपना क्वेश्चन है प्लेसिड। प्लेसिड मींस बताइएगा, प्लेसिड मींस क्या होता है? प्लेसिड मींस होता है शांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, काम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कमेमोरेट। कमेमोरेट मींस क्या होता है बताइएगा? कमेमोरेट मीन्स होता है याद करना। तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे, इसमें कमेमोरेट मीन्स याद करना होता है, तो इसमें हमें राइट आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, रिमेम्बर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीफाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। डीफाई ये सीबीआई 1995 में आया हुआ है, सीबीआई 1995 में। ओके, तो बताइएगा इसका क्या मीन्स है। डीफाई मीन्स होता है पूजा करना, वर्शिप, अडोर। ओके, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अपना सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, वर्शिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेनिटीज़। अमेनिटीज़ मीन्स क्या होता है? अमेनिटीज़ मीन्स होता है सुविधाएं, सुख सुविधाएं। तो यहाँ पे मुझे राइट आंसर दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रिविलेजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डिस्पैरिटी, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्पैरिटी मीन्स क्या होता है? डिस्पैरिटी असमानताएं होती है, इसका इसका मीन्स होता है असमानताएं। तो इसमें आज ऑप्शन से अब मालूम ही पड़ गया होगा क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा अनलाइकलीनेस, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बारबेरियन। बारबेरियन मीन्स क्या होता है? बारबेरियन मीन्स होता है जंगली, उपद्रवी, मतलब अनपढ़, जो जिसे किसी भी चीज़ का ज्ञान ना हो, किसी भी चीज़ की उसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस मालूम ना हो उसको। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनसिविलाइज्ड। ओके,
क्वेश्चन नंबर 8, लीथल। लीथल मीन्स क्या होता है? ये देखिए, होटल मैनेजमेंट में आया हुआ है 1992 में, होटल मैनेजमेंट 1992 में। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा? लीथल मीन्स होता है घातक। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डेडली। ओके, डेडली जैसे जिससे जान जा सके, लीथल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। और सैर ने, क्वेश्चन नंबर 9 है, सैर ने, सैर ने, इसका मीन्स क्या होगा? इसका मीन्स भी अभी ऊपर बताया था, इसका मीन्स भी होता है शांत रहना, काम, कंपोज, साइलेंट। ओके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ग्रूसम, ग्रूसम मीन्स क्या होता है? ग्रूसम, ग्रूसम मीन्स क्या होता है? इस मीन्स होता है भयानक, बहुत ही डरावना। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्राइटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिक्योर, सिक्योर मीन्स क्या होता है? तो बताइए, सिक्योर का मीन्स क्या होता है? सिक्योर मीन्स होता है सुरक्षित। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आप लोग लगा ही लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी है, सेफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, टायरनी। टायरनी मीन्स क्या होगा? टायरनी मीन्स होता है अत्याचार करना या फिर उत्पीड़न, उत्पीड़न करना। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आया है, रेलवेज में आया है 1991 में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रुएलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मीन्स क्या होता है? ऑब्लिगेटरी मीन्स होता है अनिवार्य। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्वायर्ड। यहाँ पे मोस्ट सूटेबल आंसर हमें टिक करना होता है। ओके, सिनोनिम्स का मीन्स ये होता है, नियरेस्ट मीनिंग जो होता है उस वर्ड का, उसको हमें ऑप्ट करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हम। कनाइसियर, कनाइसियर मीन्स क्या होता है? कनाइसियर, कनाइसियर मीन्स होता है विशेषज्ञ। ये भी आया है, देखिए 1996 में आया है, रेलवेज में। ओके, तो इसका मीन्स होता है विशेषज्ञ, किसी भी चीज़ का हो सकता है वो। तो इसका राइट आंसर दिख रहा है, इसका राइट आंसर होगा आंसर होगा इसका बी, इंटरप्रेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। इम्पेटुअस, इम्पेटुअस मीन्स क्या होता है बताइएगा? इम्पेटुअस मीन्स होता है उतावला, जल्दी, किसी भी चीज़ में जल्दी करे जो, इम्पेटुअस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैश। ओके, तो आज के ये 15 क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे सबको। ये सैनोनियम्स, वोकेबलरी ऐसी ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप इसको रट नहीं सकते, इसको याद नहीं कर सकते, ये डे टू डे लर्निंग से आती है। ओके, तो डेली देखिएगा और अपनी वोकैब को बहुत ही अच्छा बना लीजिएगा, किसी भी एग्ज़ाम को आप फाइट कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो अगर आपको ये एसटी अच्छी लगी हो तो हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।